close till I get up. Time is barely on our side. Hello guys, welcome back to the channel. कैसे आप सब? I hope आप सब अच्छे होंगे. आज मैंने आपको सबके साथ एक ही फेस्टिवल लुक शेयर किया है. आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी. अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले हम फेस को मॉइस्चराइज करने से शुरू करेंगे. उसके लिए मैं निविया का सॉफ्ट क्रीम मॉइस्चराइज़र ले रही हूँ और उसे अपनी स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट करने के लिए उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी. तब तक हम आई मेकअप शुरू करेंगे. हम एक कंसीलर यूज़ करेंगे आई बेस के लिए. उसे एक स्मॉल अमाउंट में आई लिड पे अप्लाई करेंगे और उसे एक ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे. ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. आप जितने अच्छे से बेस को या किसी भी चीज़ को ब्लेंड करोगे वो आपको अच्छा रिजल्ट देगी. तो ब्लेंडिंग में टाइम दीजिए, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए. उसके बाद मैं उसी आई बेस को एक लूज़ पाउडर से सेट कर लूँगी. उसके लिए मैं मास्क का लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ. अब मैं एक लाइट ब्राउन शेड लूँगी एज अ ट्रांजिशन कलर और उसे अपनी क्रीज लाइन पे पहले डिपॉजिट करूँगी और फिर उसे एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश से मैं ब्लेंड कर दूँगी. उसके बाद एक डार्क ब्राउन शेड लूँगी और उसे अपने आउटर व्यू पे डिपॉजिट करके और इनवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड करूँगी. कलर को स्लोली स्लोली आप इंटेंस कीजिए. एक साथ ज़्यादा कलर मत लीजिए, उसके बाद वो ब्लेंडिंग करने में बहुत प्रॉब्लम करेगा. उसके बाद मैं एक ब्लैक शेड ले रही हूँ और उसे सिर्फ अपने आउटर वी पे प्लेस कर रही हूँ और उसे ब्लेंड कर रही हूँ इनवर्ड डायरेक्शन में. मैं लिड पे ब्लैक कलर अप्लाई नहीं कर रही हूँ. अब मैं स्विस ब्यूटी का मेटेलिक ग्लिटर ले रही हूँ इन द शेड रोज़ गोल्ड और उसे अपने इनर कॉर्नर पे और अपने सेंटर ऑफ द आई पे अप्लाई कर रही हूँ और उसे अपनी फिंगर की हेल्प से हल्का हल्का मैं ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई हार्श पैचेस ना दिखे और वो ब्लैक और ब्राउन कलर के साथ अच्छे से मर्ज हो जाए. अब मैं आईलाइनर की एक थिन लेयर अप्लाई करूँगी. ज़्यादा मोटा आईलाइनर नहीं लगा रही हूँ, आप अपने चॉइस के हिसाब से लगा सकते हैं. मुझे पतला आईलाइनर पसंद है तो मैं एक पतला सा आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ. अब मैं एक एंगुलर ब्रश से पहले अपने हेयर्स को कॉम करूँगी और उसके बाद एक डार्क ब्राउन शेड से मैं अपने आईब्रोज को फिल करूँगी. धीरे धीरे पहले मैं आउटलाइन करूँगी, उसके बाद मैं गैप्स को फिल करूँगी. अब मैं एक प्राइमर यूज़ कर रही हूँ और उसे अप्लाई करके मैं 2 से 3 मिनट को छोड़ दूँगी अगले प्रोडक्ट अप्लाई करने से पहले. बिकॉज़ अगर हम प्रोडक्ट को थोड़ी देर सेटल डाउन होने देते हैं तो अपना काम अच्छे से करता है और आपको रिजल्ट्स उसके अच्छे दिखने को मिलेंगे. मैं ममाअर्थ का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ. ये काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, एक नेचुरल फिनिश देता है, ज़्यादा आपकी स्किन पे दिखता भी नहीं है और आपको हैवी फील भी नहीं होता है. तो एक बार आप ममाअर्थ का फाउंडेशन ट्राई कीजिए. अगर आप मेरे शेड के तो आप शेड नंबर 02 ट्राई कीजिए, क्रीम ग्लो. और एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर से मैं उस सबको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. अब मैं कंसीलर को अपने अंडर आई पे, फोरहेड पे, ब्रिज ऑफ द नोज़ पे, क्यूपिड से और अपनी चिन पे अप्लाई करूँगी और उसे सेम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी. अब मैं बेस को एक लूज़ पाउडर से सेट कर लूँगी. उसके लिए मैं मास्क का लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ, उसका शेड लाइट है. अब मैं स्विस ब्यूटी के फेस पैलेट से ये ब्लश लेके उसे अपने एप्पल ऑफ चीक पे अप्लाई करके और अपर डायरेक्शन में ब्लेंड करूँगी. इससे एक काफ़ी नेचुरल लुक आता है. अगर आप सिर्फ अपने एप्पल ऑफ चीक पे ब्लश अप्लाई करोगे तो जब आपके ऊपर लाइट गिरेगी तो सिर्फ वो पिंक एरिया ही हाइलाइटेड होगा. उसके बाद मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ अपनी चीक बोन पे, ब्रिज ऑफ द नोज़, क्यूपिड्स और चिन पे. उसके बाद मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ, उसकी 3 से 4 कोट अप्लाई करूँगी ताकि मुझे एक अच्छा सा इफ़ेक्ट मिले. और अपने लोअर लैश लाइन पे मैं एक डार्क ब्राउन शेड अप्लाई करूँगी टू बैलेंस द लुक.
अब मैं पूरे मेकअप को एक मेकअप फिक्सर से सेट कर रही हूँ। मैं स्प्रे को डायरेक्ट स्प्रे नहीं कर रही हूँ, ब्यूटी ब्लेंडर पे हल्का सा स्प्रे करके उसे डैप डैप करके अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। लास्टली मैं एक लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ जो कि है कफ्स एंड लेसेस की 2015 शेड। काफ़ी ब्यूटीफुल रेड शेड है, मस्ट ट्राई इट। एंड लुक इज़ कम्प्लीट एंड हेयर इज़ द फाइनल लुक। Till I get up, time is barely on our side.